अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताती हूँ कि मिंस मटन विद मोगी स्पिनिच पीस एंड पोटैटोस किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हाफ के जी मिंस मटन, हाफ के जी मोगरी, हाफ के जी पोटैटोस, फोर लार्ज साइज टोमेटोस क्यूब, वन कप फ्रेश पीस, वन कप स्पिनिच, टू लार्ज साइज अनियन स्लाइस, हाफ कप कुकिंग ऑयल, टू टेबल स्पून प्योर देसी घी, 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक क्रश, 2 ग्रीन चिली स्लाइस्ड, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप फ्रेश कोरिएंडर। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी और अब इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। हाफ कप ऑफ वाटर में मैं ये रेड चिली पाउडर डाल दूंगी, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट और गार्लिक, ये डालकर इसे मिक्स करके रख लूंगी। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद अब मैं इसके अंदर मसाला डालकर इसे भूनूंगी। देखिए अब मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर मिर्च डाल दूंगी और इसको भी फ्राई करूंगी। अब देखिए कीमा जो है वो अच्छे से भून गया और इसका पानी जो था वो पूरा ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये मोगरी डाल दूंगी। स्पिनिच डाल दूंगी। और 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको ढक्कन ढककर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कीमा और मूंगरे दोनों गल ना जाए। देखिए अभी ये मूंगरे का और कीमे का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई भी हो गया और ये गल भी चुके हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालकर टमाटर का पानी भी ड्राई होने तक इसको पकाऊंगी। वो अच्छे से घुल मिल गए। अब मैं इसके अंदर पोटैटो डाल दूंगी। और इसके साथ ही मटर डाल दूंगी। और 1 गिलास पानी डाल दूंगी। अब इनको मिक्स करके ढक्कन ढककर उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक आलू और मटर दोनों गल ना जाएं। अभी हमारे पोटैटोज और पीस जो है वो गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये हरी मिर्ची डाल दूंगी और साथ ही ये देसी घी डाल दूंगी और इसको मिक्स करके 2 मिनट का दम लगा दूंगी। दो मिनट के दम के बाद अब हमारी डिश जो है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, अब हमारा मिंस मटन विद मोगरी स्पिनिच पीस एंड पोटैटोस तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह गरम गरम तंदूर की रोटियों के साथ और सलाद के साथ पेश कीजिए तो ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।